क्या बात है राधा, बहुत डिस्टर्ब लग रही हो। मेरे नसीब में और है ही क्या। हुआ क्या है, मिस्टर बजाज से बात की? मिस्टर बजाज डिवोर्स के लिए नहीं माने। आज पहली बार इतने गुस्से में इतनी फटकार कर बात की मुझसे। कहने लगे अगर जाना है तो अभी चली जाओ मगर बगैर डिवोर्स के। कहते वक्त गुस्से में उनका चेहरा ऐसा हो गया था कि मैं तो डरी गई कहीं फिर से दिल का दौरा न पड़ जाए। पड़ ही जाता तो अच्छा होता। दीपक, अगर खुद रास्ते से नहीं हटना चाहते तो भगवान ही हटा दे। गॉड सेक, इस तरह की बुरी बातें मुझसे मत निकालो। क्यों, बड़ी हमदर्दी है मिस्टर बजाज के लिए। अगर एक इंसान को दूसरे इंसान से हमदर्दी हो तो इसमें बुरी बात है। I'm sorry राधा, गुस्से में आके ऐसा कह गया। दीपक, अगर मैं तुम्हारे लिए मिस्टर बजाज को छोड़ रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका बुरा चाहती हूँ। मैंने सॉरी कहा ना। राधा, अगर मिस्टर बजाज ने वाकई डिवोर्स ना दिया तो शायद मुझे वही करना पड़ेगा जो मिस्टर बजाज ने कहा। मतलब? बिना डिवोर्स के उन्हें छोड़ना पड़ेगा। बिना डिवोर्स के तुम उन्हें छोड़ तो सकती हो राधा, लेकिन बिना डिवोर्स के मुझसे शादी नहीं कर सकती। शादी नबी की तो क्या फर्क पड़ता है। राधा, मैं तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं करता, तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ और चाहता हूँ कि लोग भी तुम्हें हमेशा इज्जत की नजर देखें। मेरी समझ में नहीं आता कि दो इंसानों के रिश्ते के बीच में ये लोग कहां से आ जाते हैं। हम दो इंसान अलग से नहीं है, इन्हीं लोगों का तो एक हिस्सा है, हमें इन्हीं के साथ इन्हीं के बीच रहना है। लेकिन हमारा जीवन तो अपना है, हमारा है ना। शायद इतना नहीं जितना तुम समझती हो। हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी परंपरा, इन सब का ख्याल भी तो रखना पड़ता है। तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। दुनियादारी में कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है राधा। तुम्हारी दुनियादारी क्या कहती है कि किसी दूसरे की बीवी से छुप छुप के मिलो, दुनिया की नजरों से दूर उसे प्यार करो, रात के अंधेरे में उसे अपनी हवस का शिकार बनाओ और जब वो अपने पति से डिवोर्स न ले सके तो उसे समाज, दुनियादारी और परंपरा का वास्ता देकर अपने से दूर रखने की कोशिश करो। राधा, तुम मुझे गलत समझे हो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रखना चाहता। मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो मुझसे शादी करके। वो तभी पॉसिबल है जब मिस्टर बजाज मुझे डिवोर्स दे दें, लेकिन मुझे मालूम है वो अपनी जिद में आकर ऐसा नहीं करेंगे। तुम उनसे एक बार फिर बात करके देखो। नहीं दीपक, जितनी बार बात करूंगी उतनी ही वो और ज्यादा अपनी जिद पे अड़ेंगे। मैं जानती हूँ 10 साल बिताए हैं उनके साथ, एक एक पल जिया है उनके साथ। एक बार वो अपनी जिद पकड़ लेते हैं तो फिर उन्हें उससे कोई नहीं हटा सकता। तो फिर कोई और ही तरीका सोचना पड़ेगा उन्हें अपनी जिद से हटाने का।